हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और दोस्तों, बारिश होने के कारण आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रहा था, और देख सकते हैं मैं बैक करके दिखा रहा हूँ किस तरह से हमारे शेड में बारिश हो रही है। और ये देखिए कितना तेज़ बारिश की, एकदम शेड के अंदर पानी आ जा रहा है। और काम चल रहा था और ये देखिए मोट और करेंट चल जाएगा बोल के मैं रुक गया हूँ। और देखते ही देखते देखिए बिजली भी चली गई, करंट भी चली गई। तो चलिए मैं नीचे उतर के दिखाता हूँ किस तरह से बारिश हो रही है और हमारे कार में बाधा उत्पन्न कर रही है। ओ माय गॉड, क्या बारिश! और दोस्तों, बारिश छूटने के बाद फिर से देखिए लाइट भी आ गया। तो देखिए किस तरह से फीता लटका हुआ है क्रेन का, तो मुझे फिर से काम करना होगा। तो चलिए चलते हैं। और ये देखिए मैं ट्रैक्शन मोटर सेंटिंग कर रहा हूँ। एक जो एक तरफ था उसको यहाँ से फोर्कलिफ्टर से यहाँ तक शिफ्ट कर रहा है, यहाँ से मैं उधर क्रेन में ले जा रहा हूँ। तो चलिए ऊपर चढ़ते हैं, फिर से कार स्टार्ट करना होगा। ये देखिए सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं क्रेन तक, क्रेन का केबिन तक। और ये देखिए जंबो कहते हैं हम, जंबो फॉर्कलिफ्टर। वो इससे बहुत सारा सामान एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किया जाता है। तो दोस्तों देखिए किस तरह से हमारे शेड में बारिश हो रही थी। और कुछ देर मैं काम कर रहा था, रुक गया क्योंकि बीच में उधर काम करते रहते और करंट चल जाता तो मैं फंस जाता। और बहुत देर से मैं, तो दोस्तों कुछ देर ही सही लेकिन पूरा जम कर बारिश हुआ। लगभग 20 मिनट बारिश हुई, बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुई। कुछ देर पूरा हम लोग का जो काम है ठप रहा, फिर से काम स्टार्ट हो गया और करंट भी कट गया था। तो फिर भाई लोग बुला रहा है जल्दी किरण लाइए, मिलते हैं दोस्तों कुछ देर बाद। दोस्तों काम में थोड़ा सा बाधा उत्पन्न हुआ और वो जो जंबो है फॉर्कलिफ्टर जिसको कहते हैं वो थोड़ा सा फंस गया। क्योंकि देख सकते हैं उधर जो मोटर है उधर वो जंबो से ही आ रहा है, फॉर्कलिफ्टर से यहाँ तक आ रहा है और मैं यहाँ से क्रेन से उधर शिफ्ट कर रहा हूँ। तो जंबो किसी कारण बस वहाँ फंस गया है। चलिए थोड़ा सा जाके देखते हैं और उसको जेक से हटाया जाएगा। अच्छा, यहाँ बारिश थोड़ा पानी आ गया तो फिसल के साइड सट गया है। काम करने के बाद अब यहाँ पर हाथ धोते हैं। साबुन रखा हुआ है, काम तो हो गया दोस्तों। अब चलिए कुछ दोस्त लाया है, कुछ खाने को है बोल रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या लाया है। क्या लाया है बताओ जल्दी, अब खाएंगे। लाओ लाओ भाई। जल्दी लाओ जल्दी। फिर किसका होगा यार? किसका होगा बोलिए, तीन जने हैं। जब भूख लगता है ना तो कुछ भी मिल जाए ना वो अमृत के समान होता है। एलर्जी है, कितना खा रहे हैं? पहले से बोलना चाहिए ना भाई। और है चंद्रकिरण, हेलो, ओपन द बॉक्स। खा लेते हैं, इसके बाद काम होगा। फिर से रोज लाया करना, ठीक है? रोज रोज हम रोज पिथरी ड्यूटी आएंगे। ओके, हम पिछवाते हैं। दोस्तों ये साथी है जो हम लोग का साथी स्टाफ है, तो ये खाने का कुछ लाया था, मज़ा आ गया। जब खाने को कुछ नहीं मिलता और भूख लगते रहता तो कुछ भी मिल जाए आत्मा को
संतुष्टि मिल जाता है, मज़ा आ गया। फिर से अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद फिर हम लोग का छुट्टी हो जाएगा। फिर अभी विश्वकर्मा पूजा भी आ रहा है, उसका भी तैयारी लग रहा है, चल ही रहा है, पेंट वगैरह थोड़ा बहुत चल रहा है और जो बाकी काम रहेगा वो सोमवार को फिनिश किया जाएगा। और ट्यूजडे को तो फिर सिर्फ विश्वकर्मा पूजा है, हम लोग का सेट में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है।